भाई साहब दुनिया के लिए होगा होली दिवाली मुख्य त्यौहार, लेकिन हमारे कुछ बेबड़े दोस्तों के लिए सावन महीना है राष्ट्रीय त्यौहार। सावन आते ही ये पूरे महीने के लिए महादेव की डीप लगा लेते हैं और मृत्युंजय मंत्र के नाम पे इनको हनी सिंह का रैप याद होता है। ये महादेव के नाम पे पूरे महीने गांजा फूलते हैं और इनसे पूजा पाठ नहीं होता, बल्कि ये पूजा की याद में रोया करते हैं। और इनसे कोई पूछे गांजा क्यों फूकते हो तो कहेंगे महादेव के भक्त गांजा तो फूकेंगे। अरे भाई साहब महादेव तो दुनिया के कल्याण के विष भी कहते, तुम फिनाइल मिला पी के निपट लो बेंचो। ना ना ना, हमारे लिए सिर्फ बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन नहीं। और ये मुलाकात के दिन कौन सी सदी में आएंगे ये तो हमें भी नहीं पता। तो भाई साहब इस बरसात के सीजन को हर कोई एंजॉय करता है, अगर बारिश हद से ज्यादा ना हुई हो तो एंजॉय करने वालों की सूची में सबसे प्रथम स्थान पे हैं ये ताऊ जी। मार कपुआ फिर मैं सो गया नींद कसूती आगी। हमें अपने जीवन में कितने भी बुरे दिन देखने को मिले, लेकिन हमें कभी भी मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। और अगर आप अपने बुरे वक्त में मुस्कुराने की वजह नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो इन चाचा से कुछ सीखो। देखो इन चाचा जी को कैसे आपदा में भी अवसर ढूंढ ले रही है। अरे चाचा जी कैसे मगरमच्छ में ढूंढ रहे हो। भाई साहब इस बरसात के सीजन में हमें कुछ सेंसा भी देखने को मिलते हैं। ये वो सेंसा है जिनको लगता है कि पानी हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। और यहाँ सेंसा की जोरदार एंट्री होती हुई, और ये क्या घर वालों ने स्वागत ही कर दिया। और ये सेंसा तो सिर्फ गांव के दो चार लोगों के सामने ही अपनी सेंसा ही दिखा रहे थे, लेकिन अब मैं आपको ऐसे महानपुरुष से मिलाने जा रहा हूँ जिसने पूरे गांव को ही नहीं बल्कि पुलिस को भी टोपी पहना दी। शराब के नशे में पलासनी गांव के पास मिठड़ी नदी में घासीराम नाम के इस व्यक्ति ने गुरुवार सुबह 9 बजे छलांग लगा दी। इसके बाद प्रशासन का पूरा अमला घासीराम की तलाश में लग गया। एक तरफ घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग घासीराम को खोजते रहे, वहीं दूसरी तरफ घासीराम 2 किलोमीटर आगे जाकर नदी से निकल गया और अपने घर जाकर सो गया। यार ये तो गजब का टोपीबाज आदमी निकला, पुलिस को ही चकमा दे दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई साहब बारिश के कारण अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो वो है हमारे देश का भविष्य यानी छात्र छात्राओं को। और ये छात्र छात्राएं शहर के कम गांव के ज्यादा होते हैं, क्योंकि आज भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे पक्की सड़कें नहीं है। अब पापा की परियों के लिए तो जैसे भी का इंतजाम करवा दिया, क्योंकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनको किसी भी चीज की। वही अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़कों के सामने जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो दूर दूर का कोई इंसान खड़ा तक दिखाई नहीं देता। ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। देख लो भाई हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। भाई साहब हम लड़कों के लिए ये समस्या सिर्फ स्कूल जाने तक ही सीमित नहीं है, अब सच बताऊं तो ऐसी परेशानी हम लड़कों के लिए हर कदम कदम पर है यार। देखो ये कौन है, मैंने इसे कहीं देखा है। यही तो बादशाह है। बातों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। तो यार आज वीडियो में बस इतना ही, अगर तुम्हें थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल पे नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब करो यार, ये जो लाल बटन है इसको दबाकर हमें भारी बहुमत से विजय भी ना है। तो मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने पड़ोसियों का। धन्यवाद।